सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी आगे की कथा में हम आपको नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। हे व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है, इसे सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन का अपहरण, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये चार वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो पिता ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक समुद्र में गिरने वाले हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी, इन चारों से संपर्क रखने वाला, पांचवी श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पातकी जानना चाहिए। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, दूसरों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान करना एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पर स्त्री समागम करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना तथा झूठ बोलना, इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी चार प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित और दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पूर्व
पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को निकटवर्षी सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है और कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग में जड़े हुए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। इसके बाद यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते उस मार्ग पर जाते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी पहुँचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक को जाएं, वहां पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के छीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह गया उसे फिर वहां आकर आप लोग भोगेंगे, किंतु जो कूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भवों से रिक्त प्रतीत होते हैं, वे कुपुत तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई पड़ते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं, उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर पी रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।